अभी आप कोलकाता कब पहुँच गए? कोलकाता गए और हमें बताया भी नहीं। इसके बाद ना हम पहुँच गए एक और स्पेशल दुकान में, जहाँ ना ढेर सारी स्टेशनरी आइटम्स के साथ साथ स्पेशल ओकेजन जैसे कि सिंड्रेला, बारबी वाली, डोरेमोन वाली स्टडी टेबल बहुत पसंद आई। क्यूट सा यूनिकॉर्न वाला पाउच है ना यार, मुझे पहले क्यों नहीं दिखा। ये ग्लिटर वाले पेन बहुत पसंद आए। वाह भैया ये देखो, यूनिक पेंसिल्स है ना, 60 रुपए में मिल ही गया। सस्ते कलरफुल वासी टेप, रंग बिरंगे इसमें टाइप के ढेर सारे इलेक्ट्रिक वाली पर्स देखी आप सबने, कितनी प्यारी है ना। स्पेशली कैमरा और फोन देखते ही ना सबका देख ही सकते हो कैसा एक वियर्ड सा रिएक्शन हो जाता है। वापस से ही अपने घर ये जो स्पेशली शॉपिंग वाली वीडियो है ना, स्पेशली मेरे लिए और मेरी पूरी फैमिली के लिए, बापू जी के हम चारों चटोरे बंदरों के लिए ना बहुत 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 ही ज्यादा स्पेशल है। आखिरकार क्यों, वो तो आप सबको ब्लॉग के तो इस प्यार से ब्लॉग में एंड तक बने रहना और एंजॉय करना। मतलब भैया अगर आप लोग भी देखोगे ना तो बिल्कुल सरप्राइज भी हो जाओगे कि क्या इतनी सारी स्टेशनरी की वैरायटीज होती है, बहुत मजा आएगा। चल चल अभी क्या फेंक रहा है भाई। सुबह से लेकर देर रात तक देख ही सकते हो ना इस पूरे कॉलेज स्ट्रीट मार्केट में लोगों की कितनी ज्यादा भीड़ होती है। इतनी भीड़ ना शायद ही मैंने किसी और मार्केट में देखी हो। एंड लगभग सभी दुकानों में ना सारी स्टेशनरी आइटम्स की प्राइस ना बिल्कुल एक जैसी यानी बिल्कुल फिक्स थी। फिर हम पहुंच गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। यहाँ भी हमें ना सेम टू सेम ये थॉमस एंड बीटीएस आर्मी वाले प्यारे प्यारे पाउच देखने को मिला। साथ ही ना डीआईवाई और आर्ट एंड क्राफ्ट से भी रिलेटेड ना ढेर सारी स्टेशनरी आइटम्स थी, जैसे कि ये ढेर सारी अलग अलग टाइप की डिटेल एंड लाइनर ब्रश सेट, क्यूट क्यूट से मॉडलर, बहुत सारे कलरफुल नियॉन पेन, डिफरेंट वैरायटीज की वुडन पेन ब्रशेस, मिनी डिटेल ब्रशेस, डीप पेंसिल, डिटेल नाइफ, उफ यार मतलब और भी बहुत सारी चीजें। मुझे तो आज पता चला ना कि यार स्टेशनरी आइटम्स में भी इतनी सारी वैरायटीज होती है। पहली बार इतनी सारी स्टेशनरी की वैरायटीज देखकर और एक्सप्लोर करके तो मजा ही आ गया। कलरफुल स्टिकी नोट्स भी थे, जो लोग नहीं अपने नोट्स या फिर अपने स्टडी टेबल डेस्कटॉप पर चिपकाते हैं। साथ ही डिफरेंट टाइप की रंग बिरंगी प्यारे प्यारे पाउच, एग्जाम पैड्स और तो और जीप वाली क्यूट क्यूट सी कार्टून कैरेक्टर्स वाले पाउच भी थे। इसके अलावा भैया बच्चों के खेलने के लिए भी अलग अलग टाइप की जो फेंकने वाली डाइस नहीं होती है वो, फिर जाके ए टू जेड वाले जो क्यूब्स होते हैं जिसे एक के ऊपर एक लगाकर अरेंज करके बच्चे टावर बनाते हैं, और साथ ही में रिंग्स वाली गेम, इस टाइप के ढेर सारे खिलौने भी थे जो कि हमारे टकले भैया के स्कूल में भी। एंड भैया ये देखो, साथ ही में मुझे ना अलग अलग टाइप की सिंड्रेला, बारबी वाली ढेर सारी स्टडी टेबल्स भी देखने को मिली। यार बचपन में ना मेरा भी बहुत मन करता था इस टाइप की स्टडी टेबल्स में पढ़ाई करने का। एंड एक बार पापा ने तो मुझे ला कर भी दी थी लेकिन ना वो टूट गई। स्पेशली मुझे यहाँ ना ये डोरेमोन वाली स्टडी टेबल बहुत पसंद आई। फिर हमने ना थोड़े बहुत नेम स्टिकर्स वगैरह भी ले लिए अपने न्यू सेशन के न्यू बुक्स कॉपीज के कवर के ऊपर चिपकाने के लिए। इसके बाद ना हम आ गए एक पर्टिकुलर ड्राइंग एंड पेंटिंग वाले सेक्शन में, जहाँ ना ढेर सारी स्पेशली ड्राइंग एंड पेंटिंग से रिलेटेड ना स्टेशनरी आइटम्स थी, जैसे कि देख लो ना कितने सारे डॉम्स के प्यारे प्यारे बेस्ट क्वालिटी की ड्राइंग नोटबुक थी, रंग बिरंगे स्टिकी नोट्स भी थे। और भैया यहाँ देखो कितना प्यारा सा क्यूट सा यूनिकॉर्न वाला पाउच है ना यार, मुझे पहले क्यों नहीं दिखा। क्योंकि आप उल्लू के पट्टे वरना वो स्लाइडी वाला येलो पाउच ना लेकर यही ना ले लेती। छोड़ो मेरी फूटी किस्मत और क्या, ब्यूटीफुल से सुंदर सुंदर ढेर सारे बटरफ्लाई वाले एंड रंग बिरंगे अलग अलग टाइप के स्टिकर्स भी थे। और वैसे तो ढेर सारी कलम पेंस की भी वैरायटी थी लेकिन ना स्पेशली मुझे यहाँ ये ग्लिटर वाले पेंस बहुत पसंद आए, जो कि पहले तो भैया ने 80 रुपए पैकेट बोला था लेकिन थोड़ा मोल भाव करने के बाद ना 60 रुपए में मिल ही गया। सस्ती से लेकर महंगी से महंगी पेंस की वैरायटी थी, मतलब भैया 10 रुपए से लेकर ना 150-200 रुपए तक की पेंस थी। एंड हां भैया किसी किसी पेंटिंग करना बहुत पसंद है जरूर बताना। इसकी पंचायत की हद तो देखो, ढेर सारे छोटू छोटू से लेकर बड़े बड़े तक अलग अलग टाइप के पेंटिंग करने वाले जो लकड़ी के उड़न स्टैंड होते हैं ना जिस पर पेंटर लोग पेंटिंग करते हैं, वो सारी चीजें भी थी। साथ ही स्पेशली पेंटिंग एंड स्केच वगैरह के लिए ना स्पेशल पेंसिल्स, अलग अलग टाइप की पेन ब्रशेस, पेंटिंग कलर्स, पेंट वगैरह सारी चीजें थी। स्पेशली इतनी सारी रंग बिरंगी कलरफुल डिटेल पेन ब्रशेस की कलेक्शन थी ना क्या ही।
ही बताऊं मजा ही आ गया। साथ ही ना डॉम्स ब्रांड का ये एक पूरा बैकपैक का सेट भी था जिसमें इसके सारे टाइप के कलर लाइक चाहे वो पेंसिल कलर्स हो, स्केच पेंस हो, वाटर कलर्स हो या फिर क्रियॉन्स हो, सारी चीजें थी। लेकिन ना थोड़ी महंगी भी थी, पूरे के पूरे 1000 रुपीज की जो थी। शाम से रात होने को आई लेकिन हमारी स्टेशनरी की वेराइटी, स्टेशनरी की कलेक्शन तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जितना ज्यादा एक्सप्लोर करते जा रहे थे ना, उतना ही ज्यादा और भी एक्साइटमेंट एंड क्यूरियोसिटी हो रही थी कि थोड़ी और दुकानें भी देख लो, थोड़ी और ढेर सारी प्यारी प्यारी कलरफुल वासी टेप, रंग बिरंगे स्टिकी नोट, टू डू लिस्ट, डेली प्लानर, डायरी, कलर, यही सारी स्टेशनरी तो है जो हमारी बोरिंग सी स्टडी लाइफ को थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बना देती है। भैया स्टेशनरी तो स्टेशनरी, यहाँ तो ढेर सारी अलग अलग टाइप की हॉरर, रोमांटिक, मोटिवेशनल नॉवेल्स, बुक्स वगैरह भी है। इसके बाद ना हम पहुंच गए एक और स्पेशल दुकान में, जहाँ ना ढेर सारी स्टेशनरी आइटम्स के साथ साथ स्पेशल ओकेजन जैसे कि बर्थडे पार्टी, वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह के लिए भी अलग अलग टाइप की ढेर सारी डेकोरेशन आइटम जैसे कि बलून, डेकोरेटिव स्टिकर्स, स्पेशल कैप्स, बर्थडे बॉम वगैरह सारी चीजें भी मिल रही थी, वो भी काफी सस्ती यार हमारे नॉर्मल मार्केट से, क्योंकि जिस दुकान से हम लोग बर्थडे वगैरह के लिए सामान लेते हैं ना, वहाँ तो सारी चीजें बहुत महंगी मिलती है। साथ ही यहाँ पर ना अलग अलग डिफरेंट टाइप के ढेर सारे जीप वाले प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से पाउच भी मिल रहे थे, तो यहाँ से भी हमें जो कुछ भी लेना था फटाफट ले लिया। इसके बाद ना हम पहुँच गए एक और प्यारी सी स्टिकर्स की दुकान में, जहाँ पर देखो कितने सारे छोटू छोटू से ब्यूटीफुल स्माइलीज वाले, कलरफुल पैटर्न्स वाले, रंग बिरंगे हार्ट्स वाले, फ्लावर्स वाले और ढेर सारे एनिमल्स वाले भी स्टिकर्स थे। मुझे तो ये स्माइलीज वाले स्टिकर्स ना बहुत पसंद आए। वैसे आप सबको सबसे ज्यादा कौन सा स्टिकर पसंद आया जरूर बताना। और इतने सारे पब्लिक, लोगों की भीड़ भाड़ के भी व्लॉगिंग करना, वीडियोस बनाना ना सच्ची में यार बहुत मुश्किल है। स्पेशली कैमरा और फोन देखते ही ना सबका देख ही सकते हो कैसा एक वियर्ड सा रिएक्शन हो जाता है ना, थोड़ा तो सबको अजीब लगता ही है। इसके बावजूद भी इससे पॉजिटिव हम सब आप सब के लिए इतनी सारी ढेर सारी मेहनत करते हैं, इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। लास्ट बट नॉट एट द लीस्ट, हमने एंड में भी ना थोड़ी बहुत और भी दुकानें एक्सप्लोर की एंड कुछ स्टेशनरी आइटम्स वगैरह भी ले ही ली, जैसे कि ये एक प्यारा सा ड्राइंग नोटबुक और थोड़े पेन ब्रशेज वगैरह। वैसे तो भैया जो भी दिख जाता ना बस सिर्फ आंखों को ही भा जाता, जैसे कि ये एक प्यारा सा उड़न लकड़ी का कलर पैलेट जिसमें पेन कलर्स वगैरह रखकर पेंटर सब पेंटिंग करते हैं ना, वही कितना ज्यादा ब्यूटीफुल एंड शाइनी शाइनी सा है ना। लेकिन मुझ गदी को काई पेंटिंग आती है, मुझे तो पेंटिंग का पी भी नहीं आता, इसलिए मेरी किसी काम की तो नहीं है। एंड वाह भैया ये देखो कितने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से लॉलीपॉप एंड कैंडी वाले यूनिक पेंसिल्स है ना, इनकी प्राइस सिर्फ 20 रुपीज 20 रुपए ही थी, तो हमने भी 2-3 ले ली। स्टेशनरी के साथ साथ हमने थोड़ा बहुत ना बुक स्टॉल्स वगैरह यानी किताबों की दुकानें भी एक्सप्लोर की। ओवरऑल भैया इतनी सारी यूनिक क्यूट क्यूट सी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी स्टेशनरी की कलेक्शन वेराइटीज एक्सप्लोर करके तो मजा ही आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। लेकिन अब हम सबके मन में ये डाउट तो डेफिनेटली आया ही होगा ना कि दी आप कोलकाता कब पहुंच गए, कोलकाता गए और हमें बताया भी नहीं। तो फ्रेंड्स ऐसा ना कुछ नहीं है, ओके मैं ना कहीं नहीं गई थी, बल्कि यार मेरी एक दी है रिमझिम दी कोलकाता की, जो जल्द ही मुझसे और मेरी पूरी फैमिली से मिलने आने वाली है। तो यस भैया वही रिमझिम दी गई थी, लेकिन हम सब के लिए ही थोड़ी बहुत स्टेशनरी शॉपिंग करने, तो मैंने सोचा ना चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। और ये इलेक्ट्रिक वाली बस देखी आप सबने कितनी प्यारी है ना, तो इसी बस से भी वापस गई अपने घर। लेकिन सच में यार उन्होंने ना मेरे लिए और आप सब के लिए बहुत मेहनत करी, तो उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच रिमझिम दी, थैंक्स। और देखो हमारे साथ साथ उनके भाई बहनों के चेहरे पर भी छोटी सी प्यारी सी स्माइल आ गई ना, और ढेर सारी उन्हें भी खुशी मिली अपनी मन पसंद स्टेशनरी पाकर। नजर न लग जावे, नजर तो बच के रही मुटियारे। तो भैया यही थी हमारी छोटी सी प्यारी सी स्टेशनरी शॉपिंग। कैसा लगा आप सभी को आज का हमारा ये प्यारा सा व्लॉग, कमेंट करके जरूर बताना। आई होप यार कि आप लोगों को हमारा ये व्लॉग स्पेशली हमारी प्यारी सी रिमझिम दी की मेहनत पसंद आई हो। अगर पसंद आया हो ना तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, जितना हो सके अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कर देना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट क्या करे हो, ऐसे ही मजेदार प्यारे प्यारे व्लॉग डेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब।
स्टोर के बेल आइकन को प्रेस कर देना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। मंथन के मुतियाराया पटोला बन के गन्ना दे विच पिपल पत्तियां पाही चूड़ा थन के मेरे सोने प्रेमाई मेरा किसे नहीं हो दिले।